सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, जिस फोन का सबसे ज्यादा इंतजार था, 2019 का सबसे बड़ा लॉन्च हो चुका है अभी तक का। सैमसंग ने अपने लॉन्च कर दिए हैं तीन फोन, जिसका सैमसंग S10, S10e और S10 प्लस। अगर मैं बात करता हूँ सैमसंग के बारे में, तो ये हमेशा विश्वास रखते हैं कि सभी चेकबॉक्स लगा दिए जाए, मतलब देख लिया जाए कि सभी की सभी चीजें हमारे फ्लैगशिप फोन के अंदर आ चुकी हैं। तो ऐसे में मॉडल्स के साथ भी इन्होंने सेम करने की कोशिश करी है। आई थिंक आईफोन के जो तीन मॉडल्स है, iPhone XR, आईफोन और जो उनके एक्सेस मॉडल जो आता है, उन तीनों के कम्पीट करने के लिए उन्होंने तीन मॉडल अपने लॉन्च कर दिए हैं। तीनों ही मॉडल्स के अंदर काफी सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि नई आई है। खासकर तीन चीजें मैं जरूर बताऊंगा। जैसे अल्ट्रासोनिक अगर फिंगरप्रिंट के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट जो है वो अलग होता है नॉर्मल फिंगरप्रिंट से। अगर हम बात आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक फिंगरप्रिंट है, अगर आपको थोड़ा सा नजर आएगा तो ये देखिए लाइट इसके अंदर जो है आपको नजर आएगी। ये इस तरीके का जो है नहीं होता है अल्ट्रासोनिक में। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है और काफ़ी सारी आज की तारीख में टेक्नोलॉजी चाइनीज कंपनी जो है वो यूज़ कर रहे हैं इस तरीके के फिंगरप्रिंट को। वीवो पहले सबसे पहले लेके आया था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। लेकिन अल्ट्रासोनिक जो फिंगरप्रिंट है उसके अंदर आपको सिर्फ टच करना पड़ेगा, कोई वेकअप करने की जरूरत नहीं है, तो इंस्टेंटली जो है और जो काफ़ी फास्ट भी रहेगा। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी जो है सैमसंग लेके आया अपने फोन के अंदर। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ तो कैमरे के बारे में बात करते हैं। इतना अच्छे से मतलब जो इन्फिनिटी इन्होंने अपने जो स्क्रीन है उसको बोला है नेक्स्ट लेवल इन्फिनिटी डिस्प्ले। वैसे तो सैमसंग के फोन में हमेशा से डिस्प्ले काफी अच्छी रही है, लेकिन इसको इन्होंने नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करी है। तो ऐसे में एक बहुत ही मतलब प्रिसाइसली जो लेजर कट करके जो कैमरे को सिर्फ उतनी जगह दी जाती है जितने पे मतलब कैमरा आना चाहिए, बाकी और कोई भी जगह नहीं लिया जाता है। स्क्रीन के अंदर एक पंच होल करके कैमरा जो है उसके अंदर डाला जाता है ताकि बिल्कुल भी जगह वेस्ट ना हो और आपको बॉडी टू स्क्रीन का जो रेशियो है वो कमाल का मिले। तो ऐसे में हालांकि इससे पहले ये जो है ऑनर के व्यू 20 के अंदर ही आ चुका है ऑलरेडी में, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में था, यहां पर सैमसंग में राइट हैंड साइड पे है। सैमसंग के एक मॉडल के आपको दो फ्रंट कैमरे मिलेंगे, सैमसंग S10 प्लस की बात कर रहा हूं, बाकी दोनों मॉडल्स के अंदर आपको एक जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि कैमरा इसका तीसरा USP है जिस पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको तीन वेरिएंट नजर आने वाले हैं। S10e के अंदर आपको 5.8 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है, जबकि S10 के अंदर आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है। वही S10 प्लस के अंदर आपको 6.4 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है। बैटरी भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं S10e की, तो उसके अंदर आपको 3100 mAh की मतलब 3100 mAh की बैटरी मिलने वाली है। S10 के अंदर आपको 3400 mAh की बैटरी मिलने वाली है। वहीं अगर बात करते हैं S10 प्लस के अंदर, तो उसके अंदर 4000 से भी ज्यादा 4100 mAh की बैटरी उसके अंदर आपको मिलने वाली है। प्रोसेसर की अगर जो बात करते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलने वाला है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो 9820, जी हां, एक्सिनोस का प्रोसेसर आपको मिलने वाला है सैमसंग का। स्टोरेज की अगर बात करते हैं, तो S10e के अंदर आपको 6GB मतलब इसका मिनिमम जो वेरिएंट है वो 6GB से स्टार्ट हो रहा है। तो S10e के अंदर आपको 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा, और दूसरा एक वेरिएंट मिलेगा 6GB और 256GB। S10 की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला, और एक 8GB रैम 512GB स्टोरेज वाला। 512GB काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसको भी आगे लेके गया है सैमसंग अपने S10 प्लस वाले वेरिएंट के अंदर, जहाँ पर आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज और 12GB रैम और 1TB स्टोरेज का मतलब 1TB स्मार्टफोन के अंदर आपको इतनी ज्यादा स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। साथ ही आपको मिलता है हाइब्रिड सिम, जिसके अंदर आप अलग से 512GB का अलग से कार्ड और लगा सकते हैं, और इसके अंदर आपको मिलेगी तीन तरीके की चार्जिंग, मतलब फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा, रिवर्स फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा, और वायरलेस फास्ट चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा। रिवर्स में आप जो दूसरा फोन जो है वायरलेस को जो सपोर्ट करता है, वायरलेस चार्जिंग को आप इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर एप्पल के आप ईयरबड्स को आप रख सकते हैं, तो वो भी इसके अंदर चार्ज हो जाएंगे। हालांकि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होगी तभी लोग ऐसा काम करने वाले हैं, अदरवाइज अपने फोन से मतलब अपने फोन को चार्ज करने के लिए लोग मैंने देखे, लेकिन अपने फोन से किसी दूसरी चीज को चार्ज करते हुए थोड़ा सा अजीब सा है, बट चलो फैसिलिटी है। एज सैमसंग हर एक चीज में सोचता है कि ये भी कर ही डालो, तो उसने ये भी काम कर ही दिया है। इसके अलावा जो फास्ट चार्जिंग है वो आपको हुआवे के फोन के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, तो इतना ज्यादा कुछ नया नहीं है। अगर अल्ट्रासोनिक की अगर बात करूं फिंगरप्रिंट की, दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तो इसके कैमरे की, सैमसंग हमेशा से अपने कैमरा के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करता रहा है, और इस बारे में उसने एक लीप लिया है आगे। तो अगर कैमरे की बात करें, तो S10e के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल जो 16 मेगापिक्सल जो कैमरा है वाइड एंगल लेंस आपका रहेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा, और 10 मेगापिक्सल के अंदर आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर S10 की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको तीन कैमरा मिलेंगे बैक में, एक 12 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो लेंस रहेगा, एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस रहेगा, एक 16 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा।
2x ऑप्टिकल जूम इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है, 1.5 से लेकर 2.4 तक का वेरिएबल अपर्चर जो कि हम S9 के अंदर देख चुके हैं तो वो आपको S10 के अंदर भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं S10 प्लस की तो रियर कैमरे तो तीन वही रहने वाले हैं, फ्रंट में इसके दो कैमरा आ जाता है तो 10 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का डेप्थ आपको कैमरा मिलने वाला है जिससे आपको काफी अच्छा बुके इफेक्ट काफी मतलब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आप ग्रुप सेल्फी की तरह थोड़ा सा वाइड ये हो जाता है तो ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी जो रियर के कैमरे हैं वो तो काफी कमाल के हैं जिनसे डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनके काफी सारे सैंपल इमेजेस आएंगे जिनसे मालूम पड़ेगा कि कितनी अच्छी पिक्चर से निकल के आती है। बट आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि सैमसंग के फोन में कई साल से यूज कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कैमरा क्वालिटी इनकी हमेशा से अच्छा रही है। और अब की बार क्योंकि इनकी 10th एनिवर्सरी थी तो उन्होंने काफी इस चीज पर रिसर्च करी होगी कैसे बेस्ट कैमरा हमें दिया जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि काफी सारे लोग भी ओल्ड काफी अच्छे अच्छे कैमरास लेके मार्केट के अंदर आ रहे हैं। बात करते हैं इसके लॉन्च की और इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 22 फरवरी से और लॉन्च ऐसा उम्मीद है कि 25 फरवरी से इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करें तो 50, 60, 70 मतलब ये तीन रेंज होने वाली है। जहां तक आइडिया निकल के आता है S10e जो है वो इकोनॉमी में रहेगा तो 50 से 55 हज़ार के बीच में कहीं लॉन्च होने वाला है। S10 की अगर बात करें तो 60,000 से 65,000 के बीच में कहीं पे लॉन्च होने वाला है। और अगर बात करते हैं S10 प्लस की तो वो 70,000 से 75,000 के बीच में कहीं पे लॉन्च होने वाला है। ये मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो ऊंचे मॉडल होंगे डेफिनेटली उनका प्राइस और ऊंचा हो सकता है। तो अभी तो जस्ट फोन लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे आएंगे फोन के काफी सारे अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।